नमस्कार दोस्तों, सभी को मेरा YouTube चैनल एग्जाम प्रिपरेशन में फिर से स्वागत करता हूँ। आज मैं आप लोगों के लिए UGC नेट लाइब्रेरी एंड इन्फॉर्मेशन साइंस का कुछ इंपॉर्टेंट MCQ लेकर आया हूँ। आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आए। तो बिना देर के वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर वन, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ RFID? RFID का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर, रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन। क्वेश्चन नंबर टू, व्हाट इज़ द एप्लीकेशन ऑफ RFID इन लाइब्रेरीज? लाइब्रेरीज में RFID का क्या कहाँ एप्लीकेबल होता है, कहाँ प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन देख लेते हैं। फॉर स्टॉक वेरिफिकेशन, येस, स्टॉक वेरिफिकेशन के लिए RFID सिस्टम यूज़ किया जाता है। फॉर इशू रिटर्न, बुक इशू रिटर्न के लिए भी RFID सिस्टम यूज़ किया जाता है। टू प्रिवेंट बुक्स फ्रॉम थीप, थीप से बचाने के, बुक को बचाने के लिए भी RFID सिस्टम लाइब्रेरी में प्रयोग किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव ऑप्शन आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर थ्री, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द कंपोनेंट ऑफ RFID? नीचे दिए गए ऑप्शनों में से RFID का कंपोनेंट कौन सा है? तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए RFID रीडर, ये भी है RFID टैग, ये भी है RFID एंटीना, ये भी सही है। तो ये ऑप्शन डी इज द करेक्ट, ऑल ऑफ द अबव ऑप्शन आर करेक्ट। नंबर फोर, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द टाइप ऑफ द RFID टैग? RFID टैग नीचे दिए गए ऑप्शनों में से RFID टैग का टाइप क्या है, कौन सा है? तो देख लेते हैं। ऑप्शन एक्टिव, पैसिव, सेमी पैसिव, ये तीनों ही RFID टैग टाइप है। तो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट, ऑल ऑफ द अबव ऑप्शन आर करेक्ट। RFID टैग एक्टिव, पैसिव, सेमी पैसिव, ये तीनों ही है टाइप। नंबर फाइव, व्हिच टाइप ऑफ टैग इज मोस्टली यूज इन लाइब्रेरीज? एक्टिव, पैसिव, सेमी पैसिव, तीन होता है RFID टैग का टाइप। तो लाइब्रेरी में तीनों में से कौन सा ज़्यादातर यूज़ किया जाता है, कौन सा टाइप्स? तो पैसिव इज़ द करेक्ट आंसर। पैसिव टैग को लाइब्रेरी में ज़्यादातर यूज़ किया जाता है। क्वेश्चन नंबर सिक्स, व्हाट इज़ द अल्टरनेटिव नेम ऑफ RFID टैग्स? RFID टैग्स का अल्टरनेटिव क्या नाम है? तो ट्रांसपोंडर, RFID टैग्स को ट्रांसपोंडर भी हम बोल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर सेवन, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ ISBN? ISBN का फुल फॉर्म क्या होता है? तो हमको पता ही है शायद, ISBN का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर। क्वेश्चन नंबर एट, हु इज़ कॉल्ड फादर ऑफ ISBN? ISBN का फादर कौन है? तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट, डेविड वाइटकर। क्वेश्चन नंबर नाइन, इन व्हिच ईयर 13 डिजिट ISBN स्टार्टेड? कौन से साल में 13 डिजिट का ISBN शुरू किया गया था? तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, 2007। उससे पहले 2006, दिसंबर 2006 तक ISBN कितने डिजिट का था? 10 डिजिट का था। और 1 जनवरी 2007 से 13 डिजिट हो गया। हु डेवलप 10 डिजिट ISBN? 10 डिजिट ISBN पहले कितने का होता था? 10 डिजिट। तो उसको किसने डेवलप किया था? तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट, ISO। ISO का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 11, बाय व्हिच नेम ISO पब्लिश द 10 डिजिट ISBN? ISO ने पहले बार जब 10 डिजिट ISBN को पब्लिश किया था तो उसका नाम क्या था? ISO 2108। क्वेश्चन नंबर 12, इन व्हिच ईयर ISO पब्लिश 10 डिजिट ISBN? ISO ने, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन ने पहली बार 10 डिजिट ISBN का पब्लिश किया था, कौन सी साल में? ऑप्शन इज द करेक्ट, 1917 को पहली बार ISO ने 10 डिजिट ISBN पब्लिश किया था। क्वेश्चन नंबर 13, व्हिच इज़ द ISBN एजेंसी इन UK? UK का ISBN एजेंसी का क्या नाम है? तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, RR Booker। क्वेश्चन नंबर 14, इन इंडिया व्हिच इज़ द ISBN एजेंसी? इंडिया में ISBN एजेंसी का नाम क्या है? ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, राजा राममोहन रॉय एजेंसी फॉर ISBN। क्वेश्चन नंबर 15, हाउ मेनी एलिमेंट डोज ISBN हेयर? सॉरी, ISBN हैव? ISBN में कितना एलिमेंट होता है? तो हमको पता ही है, इस 5 एलिमेंट होता है। और 5 एलिमेंट को सेपरेट कैसे किया जाता है? स्पेस या हाइफ़न से। और 5 एलिमेंट क्या क्या होता है? प्रीफिक्स एलिमेंट, रजिस्ट्रेशन ग्रुप एलिमेंट, रजिस्ट्रेशन एलिमेंट, पब्लिकेशन एलिमेंट और चेक डिजिट होता है। आप लोगों को बता देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल,
जैसे मैं एक ISBN नंबर लिख देता हूँ 13 डिजिट्स का, 9789295055, जगह नहीं हुआ नीचे लिख देता हूँ मैं, 025। तो ये तीन पहले जो तीन डिजिट्स है उसको क्या बोलते हैं, प्रीफिक्स एलिमेंट। वो क्या होता है, करेंटली ये फिक्स होता है, थ्री डिजिट्स का ही होता है, वो 978 या 979 से शुरू होता है, तो इसको क्या बोलते हैं, प्रीफिक्स एलिमेंट। और उसके बाद जो ये है 92, इसको क्या बोलते हैं, रजिस्ट्रेशन ग्रुप एलिमेंट। ये क्या होता है, दिस आइडेंटिफाई द पार्टिकुलर कंट्री ज्योग्राफिकल रीजन्स और लैंग्वेज एरिया। ये क्या डिनोट करता है, कहाँ से है ज्योग्राफिकल, जैसे कौन सा कंट्री से है, ये सब कौन सा रीजन से है, कौन सा ज्योग्राफिकल एरिया से है, ये रजिस्ट्रेशन ग्रुप एलिमेंट डिनोट करते हैं। उसके बाद जो ये 5 डिजिट्स है, ये क्या है, रजिस्ट्रेशन एलिमेंट। ये क्या है, दिस आइडेंटिफाई द पार्टिकुलर पब्लिशर्स। ये क्या आइडेंटिफाई करता है, कौन सा पब्लिशर से बुक पब्लिश हुआ है, तो ये पब्लिशर का इंफॉर्मेशन होता है ये नंबर। उसके बाद जो ये 2 डिजिट्स का नंबर है 02, ये क्या है, पब्लिकेशन एलिमेंट। इसका ये क्या डिनोट करता है, दिस आइडेंटिफाइज द पार्टिकुलर एडिशंस, मीन्स कौन सा एडिशन है, ये इसका इंफॉर्मेशन देता है। उसके बाद लास्ट डिजिट्स, वन डिजिट का ये लास्ट डिजिट्स क्या है, उसको चेक डिजिट्स बोलते हैं। दिस इज ऑलवेज द फाइनल सिंगल डिजिट्स दैट मैथमेटिकली वैलिडेट द रेस्ट ऑफ द नंबर। ये हमेशा एक वन डिजिट ही होता है। तो आप लोगों के शायद समझ में आ गया, 13 डिजिट्स का ISBN होता है, पहले जो 3 डिजिट्स है उसको क्या बोलते हैं, प्रीफिक्स एलिमेंट। उसके बाद रजिस्ट्रेशन ग्रुप एलिमेंट, उसके बाद रजिस्ट्रेशन एलिमेंट, फिर पब्लिकेशन एलिमेंट, लास्ट में क्या होता है, चेक डिजिट्स। क्वेश्चन नंबर 16, हाउ मेनी एलिमेंट ऑफ ISBN हैव द फिक्स लेंथ। ISBN में कितने एलिमेंट फिक्स होता है, तो मैंने आपको बता ही दिया, 2 एलिमेंट कौन कौन सा फिक्स होता है, प्रीफिक्स एलिमेंट और चेक डिजिट्स, ये दोनों फिक्स होता है। प्रीफिक्स एलिमेंट में हमेशा 3 डिजिट ही होता है और चेक डिजिट्स में हमेशा 1 डिजिट ही होता है। क्वेश्चन नंबर 17, हु इज़ कॉल्ड फादर ऑफ इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी। इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी का फादर कौन है, तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर, B.S. Keshavan। क्वेश्चन नंबर 18, EAN स्टैंड्स फॉर, EAN का फुल फॉर्म क्या है, यूरोपियन आर्टिकल नंबर। क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट इज़ द लास्ट डिजिट्स ऑफ ISBN नंबर। ISBN का लास्ट डिजिट्स को क्या बोलते हैं, मैंने तो समझा दिया आप लोगों का, शायद आप लोगों को समझ में आ गया होगा, तो लास्ट डिजिट्स को क्या बोलते हैं, चेक डिजिट्स, और पहले डिजिट्स को क्या बोलते हैं, प्रीफिक्स एलिमेंट। क्वेश्चन नंबर 20, ISSN स्टैंड्स फॉर, ISSN का फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सीरियल नंबर, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21, हु प्रोवाइड ISSN इन इंडिया। इंडिया में ISSN कौन प्रोवाइड किया जाता है, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, नेशनल साइंस लाइब्रेरी निस्केयर्स। क्वेश्चन नंबर 22, इफ़ ए सीरियल पब्लिश इन इलेक्ट्रॉनिक एंड पेपर बैक, देन ISSN वुड बी। यदि एक सीरियल इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी और पेपर फॉर्म में भी, दोनों फॉर्म में पब्लिश होता है, तो उसका ISSN सेम होगा या डिफरेंट होगा, तो क्या होगा, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, डिफरेंट होगा। दोनों का, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म का और पेपर फॉर्म का, दोनों का ISSN नंबर अलग होगा, सेम नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 23, हाउ मेनी डिजिट डज ISSN हैव। ISSN का कितना डिजिट्स होता है, 8 डिजिट्स, और ISBN का 13 डिजिट्स होता है। क्वेश्चन नंबर 24, हु गेव रूल्स फॉर डिक्शनरी कोड्स। रूल फॉर डिक्शनरी कोड्स कौन दिया था, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, चार्ल्स अम्मी कटर। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, ASER2 वॉज रिप्लेस बाय व्हिच ऑफ फॉलोइंग। ASER2 को कौन रिप्लेस किया गया था,
ऑप्शन सी इज द राइट राइट आंसर, RDA। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर से मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊँगा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूले। थैंक यू।